हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आप सभी को स्वागत है स्मृतिस किचन पर। आज हम बनाएंगे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डिश, तंदूरी चिकन। आप ओवन में घर पर कैसे इजीली तंदूरी चिकन बना सकते हैं तो ये इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि तड़का पैन ले लेंगे, उसमें दो चम्मच ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे एक बड़े चम्मच बेसन और सारी चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको अच्छे से बेसन को ऑयल में से मिला लेना है। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, तो इसको एक साइड पर रख लेते हैं। हम क्या करेंगे, दो चिकन लेग पीस हमने यहाँ पे लिया है, इसको हमने क्लीन करके उसमें से ऐसे डीप कट लगा लिया है और उसी के साथ हमने यहाँ पर कुछ नमक से इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रख लेना है ताकि नमक जो है अच्छे से चिकन के अंदर वो आ जाए। ठीक है, ये देखिए इसी तरह हमने नमक को चिकन के ऊपर लगा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, डालेंगे टर्मरिक जो कि है हल्दी पाउडर आधा छोटे चम्मच। इसी के साथ हम डालेंगे क्यूमिन पाउडर जो कि है जीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया का पाउडर है एक चम्मच, कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर है एक चम्मच, तंदूरी मसाला है आधा छोटे चम्मच, और यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला 1/4 टीएसपी, और यहाँ पर हमने काली मिर्च एंड अजवाइन को कूट के फाइन क्रस्ट बना के उसको 1/4 टीएसपी ले लेना है, और नींबू के रस एक बड़े चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1.5 टीएसपी आप डालिए, और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे हंग कर्ड दो बड़े चम्मच। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को ऐसे क्रस्ट करके हम थोड़ा सा बस डालेंगे, और अब हम डालेंगे जो मिक्स किया हुआ बेसन और ऑयल का मिक्सचर था तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके डाल देंगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे हम चिकन के साथ। बिल्कुल अच्छी तरह से हमको मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे मसालास है चिकन के जो कट्स लगा हुआ था, डीप कट हुआ था, उसके अंदर आपको लगाना है सारे मसाला को, और मैरिनेट होने के लिए आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो इसके ऊपर हम ऐसे फॉइल लगा लेंगे
और फिर इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 घंटे के बाद हमारा चिकन अभी मैरिनेट होके रेडी है। अब हम इसको ओवन के रैक में ले लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत मसाला बचा है उसको ऐसे कट के अंदर आप डाल दीजिए। तो पहले आपको ओवन को 15 मिनट के लिए फ्री हीट करके रखना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम क्या करेंगे, रैक को केयरफुली रखना है उसके अंदर और फिर इसको बंद करके हम पहले कन्वेंशन मोड पे 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो ऐसे टाइमर सेट कर लीजिए। आपको याद रखना है पहले कन्वेंशन मोड पे 10 मिनट के लिए आपको कुक करना है। पहले हम कन्वेंशन में क्यों लेते हैं, क्योंकि कन्वेंशन में लेने से पहले चिकन जो है हमारा सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद हमको क्या करना है, ये जो चिकन है उसको पलट लेना है। तो ऐसे रैक को हमने बाहर ले लिया है, ये देख सकते हो आप ऊपर कितने अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये देखिए बैक साइड हमारा अभी हुआ नहीं है तो हम फ्लिप कर देंगे। और फिर से हमको इसको ओवन में केयरफुली रिप्लेस करना है और अगेन 10 मिनट के लिए हमको कन्वेंशन मोड पे कुक करना है। याद रखिए पहले कन्वेंशन मोड पे 10 मिनट, फिर पलट के कन्वेंशन मोड पे 10 मिनट। तो इसमें क्या होगा ना, चिकन जो है अंदर से कुक होगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। अभी हमारा 20 मिनट्स हो चुका है कन्वेंशन मोड पे, तो अब हम क्या करते हैं, ग्रिल मोड पे चलते हैं, ठीक है। तो डोर हमने क्लोज कर लिया। ग्रिल मोड पर जाके हमको पहले 20 मिनट्स के टाइमर सेट करनी है। ये देखिए हमने 20 मिनट सेट कर लिया और फिर स्टार्ट कर दिया। अगर आप कन्वेंशन मोड पे सेट ना करके ग्रिल मोड पे डायरेक्टली करेंगे तो क्या होगा ना, चिकन जो है हार्ड हो जाएगा, अंदर से सॉफ्ट जूसी नहीं बनेगा। तो ये हमारा ग्रिलिंग के 20 मिनट्स हो गया। तो आप देख सकते हो ऊपर जो है हमारा एकदम से बढ़िया सा बनके एकदम तैयार है, पर जब हम फ्लिप करते हैं, देखिए अब हम फ्लिप करेंगे तो बैक हमारा थोड़ी और देर के लिए पकेगा। ये देखिए बैक साइड हमारा हुआ नहीं है, तो ये हमने पलट लिया। फिर से क्या करना है, आपको ग्रिल मोड पे अगेन 15 मिनट के लिए आपको कुक करनी है। पहले कन्वेंशन हमारा हो चुका और इसके बाद ग्रिल हो गया। तो ये देखिए हमारा 15 मिनट्स अभी सेट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं।
इसमें क्या होगा ना, अंदर से एकदम से सॉफ्ट जूसी बनेगा, ऊपर से ग्रिल्ड होके हमारा तंदूर चिकन जो है एकदम रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा चिकन अभी रेडी है। ये टोटल 35 मिनट्स मुझे लगा बनाने के लिए। तो अब हम सर्व करते हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और डेकोरेट करते हैं कुछ चॉप्ड धनिया के साथ, अनियन रिंग के साथ और लेमन के साथ। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।